हे गाइस वेलकम अगेन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चाउमीन। लिखा तो सेवई है पर ये है तो चाउमीन। टेस्टी टेस्टी लिखा हुआ इस सादा आता है ये कहते हैं इसे, और छुट्टा भी कह सकते हो आप लोग। ये ऐसे ही आता है बड़ी बड़ी स्टिक्स में। तो मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा। तो आज चलो इसको बनाते हैं। पहले हम लोग को ये बारना होगा, इसके लिए लाइटर निकालते हैं। लिया लाइटर, इसको जला दिया, ये जलने लगा। अब इसको ये रख दिए। अब इसमें पानी डालते हैं। कितना पानी डालना है वो आपके ऊपर है, आप कितना बना रहे हो और कितना पानी डालना चाहते हो। बस इनफ है, ज़्यादा पानी डालने का कोई मतलब भी नहीं है। और उसके बाद अब ये बॉईल हो जाने के बाद तब इसमें इसको डालना है। ऐसे पहले ही नहीं डालना, तो वेट फॉर अ बॉईल। तब तक तो ये पानी उबल गया है, अब इसमें से ये डाल देते हैं। मैंने ये न्यू पैकेट ले लिया क्योंकि उसमें ख़त्म ही था, तो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। इसको निकालते हैं, इतना बनाना है उतना निकाल लेंगे। तो जैसे मुझे अगर इतना बनाना है तो मैं इसको ऐसे इसी में डाल दूंगा और ये फिर धीरे धीरे होता जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बना लें। तो और बनाने के लिए ऐसे आप लोग ऐसे करके इसको ये मोड़ सकते हो, ये धीरे धीरे मुड़ जाएगा। या तो फिर सिंपली कुछ करना नहीं है, बस इसको यहाँ से हाफ पे ब्रेक कर देना है। ठीक है, कुछ इस साइड से, और फिर इसको ऐसे डायरेक्ट डाल देना है, तभी भी ये हो जाएगा। अब ये हो जाए, अपना पक जाए, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखते रहिए, तो इसको अब चलाते रहना है। जैसे ऐसे ऐसे कर करके आप लोग चलाते रहिएगा बीच बीच में, वरना ये नीचे चिपकने का डर रहेगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो तो ये चिपकेगा नहीं। और बाकी तो ये तो अब बन ही गया। अब इसको क्या करना है हमें कि अब इसे छानना है। ठीक है, तो छानने के लिए सिंपल है कि आप कुछ भी लेकर छान सकते हो। आप जैसे मैं ये ले लेता हूँ, अब इसमें छानने के लिए मैं इसको सिंपली सरसी की मदद से इसको ऐसे पलट दूंगा तो ये इसमें छना जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, फटाक से पानी डालना है, वाटर। तो आपको इसमें ये जैसे आपने डाला तो ये गर्म है, लेकिन आपको इसमें पानी डालकर हाथ से चाहिए आप किसी भी चीज़ से ऐसे ऐसे आप लोग को कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे चिपकेगा नहीं। अगर आपस में चिपक गया तो भाई बहुत दिक्कत होता है बनाने में, फिर लोग बोलते हैं कि ये चिपक गया है। अब आपको सिंपली इसको ये ऐसे से चलते जाना है जब तक आपको ठंडे ना महसूस हो। अगर ये थोड़ा सा भी गर्म है तो उसको करिए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, हाथ में नहीं जल रहा। ठीक, तो अब ये सही है, अब इस ठंडे हो गए। अब इसको आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं, तो थोड़े स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो बनाने के लिए सामग्री, बीन्स आप लोग ले सकते हैं या फिर आपको वो बोड़ा भी ले सकते हैं, ये तो मेरा बोड़ा है। और बाकी कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कितनी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनियन बारीकी कटे हुए या फिर आपको जैसे भी ऑनियन काटने हो, मुझे तो लंबे लंबे पसंद है इसलिए। थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा मिर्चा, आपको इसमें भी अगेन मैं कहूँगा जो आपको जितना भी लेना क्वांटिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन फूड में क्वांटिटी की लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अब इसको नीचे रखते हैं। नमक, सॉल्ट, ठीक, उसके बाद फिर ज़ीरा, उसके बाद घी या फिर ऑयल कोई भी, और उसके बाद फिर ये पास्ता मसाला। स्मिथ एंड जॉन्स का आप लोग ले सकते हैं, ये बेटर है, अच्छा भी लगता है। और सेकंड वन इज़ आरएल मसाला, ये मीट मसाला लिखा है बट ये मीट मसाला होता नहीं है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए घबराए नहीं, ये तीता होता है, मतलब मिर्ची ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर पसंद है। और उसके बाद ये तो मालूम ही है आपको, ये लेना है, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे अपना कार्यक्रम। तो पहले इसको रखते हैं कढ़ैया को, और उसके बाद इसको बारते हैं। बढ़ने लगा, हो गया। और हाँ, एक चीज़ तो अपन भूल ही गया, पानी, थोड़ी सी पानी डाल दीजिए अगर इच्छुक है तो, ना हो तो मत डालिए। वैसे वाटर नहीं डालना चाहिए पर अगर वो चिपकने का डर आता है तो इसलिए डाल देना चाहिए। इसको काट लेते हैं कुछ ऐसे। इसे भी काटना है तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें मसाले चिपके रहते हैं, ये बाहर निकल आते हैं अगर आप लोग ऐसे ही काटोगे तो। और इसके बाद इसको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप लोग काट लीजिए। ठीक,
और इसमें रेड वाइट रेड टाइप के मसाले होते हैं। अब ये धीरे धीरे हो रहा है, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे कहते हैं। अब फिर इसको लेते हैं, अब इसमें डालते हैं आपका ऑयल, जो भी डालना हो आपको। ऑयल इज डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कुछ भी डाल सकते हो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं आता कि भाई ये डाले तो उसका टेस्ट वैसा, डाले तो इसका टेस्ट। हाँ, ध्यान रहे कि ये थोड़ा अगर बढ़िया से ना आपका हुआ हो तो थोड़ा उछलेगा, पर कोई नहीं, आप लोग वेट कर सकते हो। मेरा इसमें वाटर लगा हुआ था, ये इसलिए ऐसा कर रहा है। ओके, तो ये गर्म भी हो गया, इसमें थोड़ा सा हम लोग जीरा डालते हैं यहाँ से। बस इंडियन फूड में आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्वांटिटी कितना डाली है, पर अगर क्वांटिटी के हिसाब से तो एक चम्मच आप डाल दीजिए जीरा, कोई दिक्कत नहीं, ये इनफ होता है। और उसके बाद अब हम लोग डालेंगे इसमें लहसुन और ये प्याज। पहले लहसुन एंड मिर्चा डालेंगे, अब ये निकल नहीं रहा। ठीक, अब ये इसको थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़े देर के लिए भुनेंगे, बस हल्का हल्का हो जाए। उसके बाद आप प्याज डाल दीजिए। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो प्याज डालिए या तो अपनी सब्जी डालिए पहले, पर कोई नहीं, आप दोनों साथ भी डाल सकते हो, पहले प्याज डाल के भी डाल सकते हो, क्योंकि जो आपकी सब्जी होगी उसे भुनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो पकेगा नहीं, क्योंकि आपको फिर तुरंत निकालना ही है। अब हम लोग सब्जी तो बना दे रहे हैं, ये धीरे धीरे हो जाएंगे, आप इसको अच्छे से चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको कैसा क्या पसंद है। अब इसमें थोड़ा सा थोड़े देर वेट, या अब डाल सकते हैं हम लोग, अब इसे डाल दें। अब इसको खूब अच्छे तरीके से भूनिए, जब तक कि आपका ये जो बीन्स है वो पक न जाए। अब ये मैं तो बोड़ा डाला हूँ, जिसे बरबट्टा भी बोला जाता है, पर लोग बीन्स ही समझते हैं, तो आप लोग बीन्स कह सकते हैं या बीन्स भी आप लोग डाल सकते हैं, मगर ये बड़ा बड़ा होता है साइज में और बीन्स छोटा होता है, और हमारे घर पे यही इस समय पेड़ है इसका। अब इसमें फंस जाता है कोई भी चीज़, तो आप लोग इसको ऐसे ऐसे झाड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो गाइस, ये अब धीरे धीरे रेडी हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये बेकार लगेगा। तो आपको ऐसे ही चलाते रहना था जब तक ये हो ना जाए, और फिर अब इसमें हम लोग डालेंगे जो भी आपकी इच्छा करे। तो मैं डालने जा रहा हूँ इसमें पहले ये मसाला, ज़्यादा मैं नहीं डालने वाला, आधा, ठीक है, आधा इनफ है क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है, और ये भी आधा, ओके। एंड इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिकॉज ये चिपकने लगता है तो बेकार होता है। आई नो कि पानी नहीं डालना चाहिए, मैं खुद ही पानी डालकर नहीं बनाता, पर ये चिपकने लगता है तो इसलिए मुझे बेकार लगता है। अब नमक, नमक का प्रॉब्लम ये है कि आप चम्मच से डाल सकते हो, स्वाद अनुसार ही डालना है, ठीक है। तो भाई कितना डालें, इतना ही डालते हैं, इतना स्वाद परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा इसको लो मीडियम पे करेंगे, और उसको हाई मीडियम पे ही आपको भूनना है, ठीक है, पूरा। अब ये हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं करना, अब सिंपली ये डाल देना है कंप्लीट, ये डला गया, ठीक है। अब इसको लो फ्लेम पे, लो मीडियम पे आपको पूरा इसको बन करना है, मिक्स करना है। हमने थोड़ी सी वाटर डाली हुई थी, इसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं, आप भी थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा ना डालिए, वैसे चिपकता नहीं है। और फिर इसको चलाते रहिए जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद आप इसको हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, पर अभी लो फ्लेम पे ही रहेगा, ठीक है। और फिर आपको अगर इंग्रेडिएंट की कमी लगे, जैसे कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा मसाले कम है, ये कलर से देख के मालूम चल जाता है, अभी ये प्रैक्टिस है कह सकते हो आप लोग, मोर देन 10 इयर्स
मेरी प्रैक्टिस है, तो उस हिसाब से मैं अपना देख के बना रहा हूँ। ये हो गया, अब इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे ताकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सारे मिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर ये हो गया, फिर आप इसे सर्व कर सकते हो। बस दैट्स इट, इतना ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हो गई हमारी 2 मिनट की मैगी तैयार 10 मिनट में आई गेस, क्योंकि 2 मिनट की मैगी नहीं तैयार होती है, और इसके टाइम में करीब करीब आधे एक घंटे लग जाते हैं पूरे इंग्रेडिएंट को काटने पीसने छाटने में। ओके या दैट्स इट, ये हो गया। ओके गाइस, ये कंप्लीट, फ्लेम बंद, कटोरी में रखो, खाओ। तो अब इसको निकाल लेते हैं, ये थोड़ा गर्म है पर आपको देख के अपने हिसाब से जैसे भी आपको निकालना हो आप लोग निकाल सकते हो। अब ये मैं थोड़ा बड़े बड़े रह दिया था इसलिए अब ये प्लेट में निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर नो वरी, ये हो जाएंगे फिक्स। ओके, तो मुझे अब लेने हैं ट्रे जो कि ये है अपना, इसमें अपन यहाँ पे रख दिया, चम्मच लगा दिया, दूसरा चम्मच को हटा दिए, दूसरे में भी रख दिए हम लोग। अगर आप लोग इसको छोटा छोटा करोगे तो ये दिक्कत नहीं करेगा, पर अगर साइज में बड़े कर दो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब इसको भी ऐसे ही रख देते हैं, इसके में भी चम्मच लगा देंगे हम लोग। ओके, तो रेडी, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए।